कैसे मान लूं ससुर जी कि आपका हर एक गली पे हर एक कोने पे आपका ही बच्चा है। अरे बहू तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं जवान था ना फूल, तो मुझे सारी लड़कियां और मेरा चप्पू भी एकदम सही ढंग से चलता था, तभी है ना हर गली के नुक्कड़ पे इसी की औलाद है। क्या बात है, चलो देख लेते हैं इस उम्र में आपकी औलाद हो पाएगी। एक 6 महीने में है ना, 2 पक्का। 6 महीने में 2? मैं सारे में। अच्छा तुम चलो। अरे मेरी बहू कितनी खूबसूरत लग रही है, पूरी लबालब जवानी से भरी हुई है ठस, और साला मैं बाहर इधर उधर ताप झाप करता रहता हूँ, और मेरी औलाद वो भी हरामखोर अपनी, और मेरी औलाद वो भी हरामखोर इतनी अच्छी बीवी को छोड़कर बाहर इधर उधर घूमता रहता है। कितनी खूबसूरत है, पूरी जवानी से लबालब भरी है। अरे मन तो कर रहा है कि मैं ही बहू पे चढ़ जाऊँ यार, और वैसे भी साला मेरा बच्चा मुझे अब तक पोते का मुंह नहीं दिखा रहा है। भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना बिना पोते का मुंह देखे वैसे ही लुढ़क जाऊंगा मैं तो। लुढ़कने से पहले क्यों ना बहू को प्रसाद दे दूं। बहू ससुर जी आपको कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो बहुत कुछ था बहू, लेकिन तू मौके देती नहीं है। बताइए मैं चाय बना देती हूँ। अरे चाय क्या करूँगा पी के, वैसे भी तो पूरी की पूरी गर्मी शरीर में है, अब गरम गरम चाय पीऊंगा तो हीट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नींबू पानी बना दो। अरे नींबू पानी क्यों दोगी, वैसे भी मुझे है ना बड़े बड़े नींबू निचोड़ने की आदत जो पड़ी है। अच्छा छोटा नींबू का रस मुझे अच्छा नहीं लगता बहू। कैसी बातें कर रहे हैं ससुर जी आप? देखो बहू मुझे ना साफ साफ बोलने में अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ कि सुरेश है ना तुम पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, देखो ना कितनी अच्छी फली फूली वो तुम, सारा घरदार छोड़ के बाहर काम के चक्कर में भटकता रहता है, और यहाँ पे तुम उसकी याद में तड़पती रहती हो। तो मैं सोच रहा हूँ बहू क्यों ना मैं तुम्हारी तड़प को दूर करूँ। आप तो मेरे ससुर हो ना? अरे हूँ मैं तुम्हारा ससुर, लेकिन लेकिन तुम्हारी तड़प भी तो मुझसे देखी नहीं जाती, और तुम्हारी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन 6 सालों से तुमने अब तक मुझे एक पोता तक नहीं दिया। तो मेरी गलती थोड़ी ना, ये बात अपने बेटे को बोलो ना, वो यहाँ रहता ही नहीं है, तो फिर मैं क्या बाहर जाके मुंह मारूं? नहीं नहीं बाहर मत जाके मुंह मारना, क्योंकि मुझे है ना मिक्सचर पसंद नहीं है मेरे फैमिली में। मिक्सचर? हाँ मिक्सचर नहीं चाहिए ना बहू, बाहर का नहीं चाहिए मुझे। तो घर का और एक ही तो औलाद पैदा करिए अपने। कोई नहीं मैं हूँ ना, मैं तुमसे भी औलाद, बेशक मुझे दादा ना कहे लेकिन बाप ही कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा लेकिन बहू कोई एक बंदा तो आ जाएगा ना मेरे वंश को बढ़ाने के लिए। खुद का बेटा तो वंश बढ़ा नहीं पा रहा, बुढ़ा है। अरे वो हराम उससे वंश बढ़ते नहीं, वो अपने मामा पर गया हुआ है, उसका मामा भी ऐसा ही नपुंसक टाइप का। हाँ खानदानी ऐसी है क्या उनका? अच्छा उनका तेरे सास के इधर का, मेरा तो एकदम। अगर मेरा बेटा कैसे हो गया ऐसा? पता नहीं उसकी माँ ने उसके मामा का मुंह देखा था क्या? तो वैसे ससुर जी एक बात बोलो, मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मेरी भी तड़प निकले, मेरी भी प्यास, लेकिन ना ना मर्दों के खानदान में आ गई। कैसी बात कर दी, तुम्हें मालूम नहीं जिस गांव में मैं रहता था ना उसकी हर गली में एक घर छोड़ के मेरी दी। तुम्हारे ससुर में इतना दम था ना कि हमारी गली के हर नुक्कड़ पे मेरी एक औलाद है। क्या बात है ससुर जी, हर एक नुक्कड़ पे आपकी औलाद, और जो आपकी खुद की औलाद है वो निकम्मी और नाकारा, उसे औरत का मतलब ही नहीं पता कि औरत को खुश कैसे करते हैं, उसकी जवानी को कैसे नचोड़ते हैं, निकम्मा है। जाने दो बहू, तुम उसकी चिंता ही करना बंद कर दो, साले को मैं घर के अंदर भी नहीं आने दूंगा। एक बात बताओ ससुर जी, जब आप में इतनी ठरक है
तो आप बहू क्यों लाए, बीवी ले आते? क्या है ना बहू, थोड़ा सा समाज का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। अच्छा चलो, मुझे क्या, वैसे भी मेरी जवानी तो वेस्ट ही जा रही है। अरे नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, तुम्हारी जवानी को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। अरे बहू पूरा लाइफ बाय सोबन लगा के है ना, तुम्हें और तंदुरुस्त बना दूंगा। वैसे वो दुकान वाला है ना, दुकान वाला वो कल मुझे ऑफर दे रहा था। उसकी माँ वो उसकी मत कैसे हुई तुम्हें ऑफर करने की? अरे मैं हूँ ना, पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस हूँ, तुम चिंता मत करो बहू बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऑफर दे तो नहीं चलेगा, लेकिन तुमने अपनी हर एक गली की नुक्कड़ पे जो अपनी औलादें छोड़ रखी है वो भी तो किसी की होंगी। अरे कोई नहीं, वो तो मेरा ठरक बनता तब। अब तो बिल्कुल तुम्हारे साथ ही करूंगा बहू। और अब तो कभी गली के नुक्कड़ पे तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं, इतनी बड़ी गली तुम जो हो यहाँ पे। फिर ठीक है, तो क्या कहूँ आज से आपको, एजी ओजी या ससुर जी? ससुर जी ही कहा करो। अच्छा नहीं, एजी ओजी उस टाइम कह लिया करेंगे। हाँ उस टाइम तो कुछ भी करो, कुछ भी कहो चल जाएगा, बस काम बराबर करो। काम कहाँ हो पा रहा है ससुर जी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मुझ में जंग ही लग गई है। अरे नहीं बहू, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा जंग सारा उतार दूंगा, लाइफ बॉय साबुन से धो दूंगा मैं तुम्हें। चलो ना ससुर जी, आज मेरी पीठ पे लाइफ बॉय साबुन रगड़ दो। चलो ना बहू, मैं वही तो कह रहा हूँ तुम्हें, चलो बाथरूम में टब में पानी भरा हुआ है, आज तुम्हारी पीठ ना मल मल के एकदम गोरी गोरी कर दूंगा। चले हाँ जरूर चलो, शाबाश। क्या बात है ससुर, ऐसा वरना साला कोई ना आराम से बहू लचक ना आ जाए।